नमस्कार दोस्तों, किसी भी चैरिटेबल अथवा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन यानी परमार्थ इंस्टीट्यूशन या धार्मिक संस्था, उन्हें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट की इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑडिट कराना कब मैंडेटरी अथवा अनिवार्य है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। विशेष रूप से इस कॉन्टेक्स्ट में कि वित्त वर्ष 23-24 यानी असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए ऐसे सभी ट्रस्ट जिनके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है इनकम टैक्स लॉ की प्रस्पेक्टिव में, उसकी ड्यू डेट 30 सितंबर 2024 रहने वाली है। तो आइए दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग विषय पर आगे के डिस्कशन में आपको लिए चलता हूं। शुरुआत करता हूं टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन से कि इनकम टैक्स प्रस्पेक्टिव से चैरिटेबल, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या अन्य वेलफेयर से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन के टाइप्स क्या क्या हैं और उन टाइप्स के अनुरूप हमें ऑडिट एप्लीकेबिलिटी या नॉन एप्लीकेबिलिटी तय करनी होगी। पहली बात, ज्यादातर ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में होते हैं, और जब मैं ट्रस्ट की बात कर रहा हूं तो इसमें सभी प्रकार के एनजीओ शामिल होते हैं, चाहे सोसाइटी फॉर्मेट में हो या जो कंपनी के फॉर्मेट में सेक्शन 8 कंपनी जिसे हम कहते हैं उस फॉर्मेट में भी हो सकते हैं। तो पहली संस्था है वो जो इनकम टैक्स की धारा 12AB में रजिस्टर्ड है। दूसरी संस्था है वो जो सेक्शन 10 क्लॉज 23C सब क्लॉज 4, 5, 6 अथवा 6A में अप्रूव्ड है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से। एक कैटेगरी ऐसी संस्थाओं की भी हो सकती है जिन्हें हम सेक्शन 10 क्लॉज 23C सब क्लॉज 3AB या सब क्लॉज 3AC की संस्थाएं बोलते हैं, यानी ऐसी मेडिकल अथवा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिनके जो होली या सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट होती है। और इसी प्रकार सेक्शन 1023C क्लॉज 3AD या 3AE के भी इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनके एज एन इंस्टीट्यूशन, एज अ ट्रस्ट, उनके द्वारा चलाए जा रहे सभी मेडिकल अथवा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की एक साल की रिसीट 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होती। अब मैं इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहां पर जो जोड़ना चाहूंगा, इन दो कैटेगरीज में जो मैंने यहां पर आपके समक्ष रखी, यहां पर प्राइमा फेसाई ऑडिट की आवश्यकता नहीं आती। तो ऑडिट की आवश्यकता यदि आएगी तो आपको इन दो कैटेगरीज में ही आएगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसी संस्थाएं जो सेक्शन 12AB में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड है या जो सेक्शन 1023C क्लॉज 4, 5, 6 अथवा 6A में अप्रूव्ड है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग हमें इनिशियली बना लेनी है ताकि हमारे आगे के डिस्कशन में और क्लैरिटी हम डेवलप कर पाए। अब यदि कोई व्यक्ति मेरे साथ ये भी समझना चाहे कि अनुप जी, ये जो ऑडिट की आप बात कर रहे हैं, जिसके लिए आप कह भी रहे हैं कि ऑडिट अनिवार्य होगी, तो ये अनिवार्य क्यों होगी, इनकम टैक्स लॉ का ऐसा क्या प्रावधान है, ये बात अपनी रखता हूं पहले उन संस्थाओं के संदर्भ में जो इनकम टैक्स की धारा 12AB में रजिस्टर्ड है। तो उस संदर्भ में सेक्शन 12A क्लॉज बी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है चैरिटेबल अथवा रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के गवर्निंग का इनकम टैक्स प्रस्पेक्टिव से, क्योंकि वो एग्जम्पशन क्लेम करते हैं, तो ये सेक्शन बोलता है प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 11 एंड 12 शैल नॉट अप्लाई इन रिलेशन टू इनकम ऑफ एनी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन अनलेस द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। तो यदि आप स्वयं को एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मानते हैं और आप आयकर की धारा 11 एवं 12 में एग्जम्पशन लेना चाहते हैं अपनी इनकम के संदर्भ में, तो कुछ शर्तें जो सेक्शन 12 में विनिर्दिष्ट हैं वो पूरा करना बहुत आवश्यक है, मैंडेटरी। इन्हीं शर्तों में दोस्तों एक क्लॉज बी, सेक्शन 12 का क्लॉज बी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कहता है वेयर टोटल इनकम ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन एज कंप्यूटेड अंडर दिस एक्ट विदाउट गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 11 एंड 12। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विदाउट गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 11 एंड 12, यानी 11-12 में वैसे तो एग्जम्पशन होके आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं लग जाएगी, लेकिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेक्शन 12A सबसेक्शन 1 क्लॉज बी टू डिटरमाइन वेदर ऑडिट इज एप्लीकेबल और नॉट, पहले आपकी इनकम को बिना 11-12 की एग्जम्पशन दिए देखा जाएगा, और यदि वो इनकम एक्सीड करती है मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्सेस, फॉर एन एग्जाम्पल इन नॉर्मल रिजीम और इन ओल्ड रिजीम द एग्जम्पशन लिमिट इज 2.5। सो एज अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन यदि आपको 11-12 की एग्जम्पशन नहीं दी जाए और फिर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है किसी वित्त वर्ष में, तो क्या करना है? 1. द बुक्स ऑफ अकाउंट द डॉक्यूमेंट हैव बीन कैप्ट एंड मेंटेन इन सच फॉर्म एंड मैनर एंड एट सच प्लेस एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो आपको किताबें रखना आवश्यक हो गया। दूसरा, द अकाउंट्स ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन फॉर दैट ईयर
have been audited by an accountant defined in explanation below subsection 2 of 288 before the specified date referred to in section 44AB, and the person in receipt of income furnishes by that date the report of such audit in the prescribed form, duly signed and verified by such accountant, and setting forth such other particular as may be prescribed. So, ye 12A clause B sub clause 2 main provision hai dosto, jahan se ye audit paida hoti hai ya jahan se audit ki applicability shuru hoti hai. Aur sabse pehla criteria kya hoga? 1. Such institution is registered under 12AB. Number 2. Without giving exemption under section 11 and 12, aapki income above exemption limit hai, basic exemption limit se upar hai. Number 3, agar basic exemption limit se upar hai, to aapko section 288 mein jo mentioned accountant hai, yani charter accountant hai, unse apni books ki audit karani hogi. Aur ye audit on or before specified date karani hogi. Ab specified date kya hai? Wo date section 44AB mein likhi hai, ki aapki section 139(1) कि जो ड्यू डेट होती है से ज्यादातर ऑडिट के केसेस में 31 अक्टूबर ड्यू डेट है तो उससे एक महीने पहले यानी 30 सितंबर तक तो असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए आपको 30 सितंबर 2024 तक अपनी बुक्स की ऑडिट करानी है एज अ ट्रस्ट चाहे आप रिलीजियस ट्रस्ट हो या चैरिटेबल ट्रस्ट हो यदि आप सेक्शन 12AB सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के अंदर कवर्ड होते हैं तो अब इसी प्रकार दोस्तों सेक्शन 10 क्लॉज 23 सी के 10th प्रोविजो में जो सेक्शन 10(23C) के क्लॉज 4 5 6 अथवा 6A के इंस्टीट्यूशन है उनके लिए भी यह व्यवस्था की गई है कि यदि उनकी इनकम विदाउट कंसीडरिंग सच एग्जम्पशंस ऑफ 10(23C) क्लॉज 4 5 6 और 6A बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो उन्हें किताबें भी रखनी है और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट की ऑडिट भी करानी है तो यहां से मेरी पहली स्लाइड की दोनों बातें क्लियर हो गई कि सेक्शन 12AB में रजिस्टर्ड संस्थाएं जिनकी इनकम अबव एग्जम्पशन लिमिट है और इसी प्रकार 10(23C) क्लॉज 4 5 6 और 6A की संस्थाएं जिनकी इनकम विदाउट कंसीडरिंग 10(23C) एग्जम्पशन अबव एग्जम्पशन लिमिट है उनके लिए ऑडिट कराना अनिवार्य है। दोस्तों जैसा हमने डिस्कस किया कि हमें ऑडिट कराना कब अनिवार्य है और वहां पर एक रेफरेंस आया कि किताबें भी बनाना जरूरी है और अगर एक कॉमन सेंस से बोलूं कि किसी भी संस्था को जिसको ऑडिट करानी आवश्यक है नेचुरली उसकी बुक्स होंगी तभी उनकी ऑडिट होगी पर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन डील कर लेते हैं इज इट मैंडेटरी फॉर अ ट्रस्ट टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट तो ये व्यवस्था दोस्तों लॉ में फाइनेंस एक्ट 2022 से यानी असेसमेंट ईयर 23-24 से स्पष्ट रूप से इंसर्ट की गई क्या कहा गया ऐसे ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन जो सेक्शन 12AB में रजिस्टर्ड होंगे या 10(23C) में होंगे और जिसकी पुष्टि मैंने अभी लॉ से भी आपको करा दी है उनको भी बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट बनाना मैंडेटरी है कब जब उनकी इनकम विदाउट कंसीडरिंग बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है और ऐसी परिस्थिति में दोस्तों इनकम टैक्स का रूल्स इनकम टैक्स रूल्स 1962 का रूल 17AA है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें वो किताबें और वो प्लेस जहां वो किताबें रखी जाएंगी निर्दिष्ट है तो आपको रूल 17AA का रेफरेंस रखते हुए निर्धारित किताबें भी मेंटेन करना सुनिश्चित करना होगा आइए अब आपसे चर्चा करता हूं कि यदि एज अ ट्रस्ट एज एन इंस्टीट्यूशन आप पर ऑडिट एप्लीकेबल है तो आपकी ऑडिट कौन से फॉर्म में की जाएगी तो वैसे तो इस काम को करने के लिए आपके चार्टर अकाउंटेंट सक्षम है वो स्वयं अपनी विजडम से वो फॉर्म सेलेक्ट करेंगे बट जस्ट फॉर द सेट रेफरेंस के एक इंफॉर्मेशन आपके पास में हो कि हाँ कौन सा फॉर्म मेरे पर लागू होता है तो दो इंपॉर्टेंट फॉर्म है दोस्तों एक है फॉर्म 10B और एक है फॉर्म 10BB इन दोनों में से एक फॉर्म आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा एज अ चैरिटेबल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और वापस से कहूंगा संस्थाएं कौन सी जो 12AB के अंदर कवर्ड है या जो 10(23C) के अंदर कवर्ड है अब 10B काफी वास्ट फॉर्म है काफी बड़ा फॉर्म है 10BB उसके अपेक्षाकृत काफी संक्षिप्त फॉर्म है आप इसको सरलीकरण करते हुए ये कह सकता हूं कि यदि बड़ी संस्थाएं हैं तो उन्हें 10B में ऑडिट फॉर्म प्रस्तुत करना है यानी उनके ऑडिटर फॉर्म 10B फिलअप करेंगे और यदि आप छोटी संस्था है अपेक्षाकृत रूप से बड़ी नहीं है तो आपको फॉर्म 10BB से काम चलेगा यानी आपके ऑडिटर फॉर्म 10BB भरेंगे अब 10B किन पर लागू होता है वो बात यहां करता हूं आपके साथ 10B इज एप्लीकेबल ए इफ द टोटल इनकम ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन विदाउट गिविंग द इफेक्ट टू द
provisions of section 11 and 12 or section 1023C clause 4566A of the act exceeds rupees 5 crore. देखिए क्या बात करी कि अगर 11-12 का प्रभाव दिए बिना 1023C का प्रभाव दिए बिना आपकी इनकम 5 करोड़ से अधिक है, एक्सीड्स रुपीस 5 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो आप पर ऑडिट जब होगी तो आप पर ऑडिट में फॉर्म लगेगा फॉर्म 10B। दूसरा, इफ सच ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन हैज रिसीव्ड एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, या आपको विदेशों से चंदा आया तो आप पर फॉर्म 10BB की जगह 10B लागू होगा। एंड इफ सच ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन हैज अप्लाइड एनी पार्ट ऑफ इट्स इनकम आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, आपने संबंधित वित्त वर्ष में इंडिया से बाहर फॉरेन में कोई खर्चा किया है, ठीक है, तो अगर आपने अपनी इनकम का एप्लीकेशन इंडिया से बाहर किया है तो ऐसी परिस्थिति में भी आप पर फॉर्म 10B लगेगा। तो ऐसी सभी संस्थाएं जो 10B की क्राइटेरिया में नहीं कवर होती, पर अभी जो सेक्शन 12 क्लॉज बी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, सबसेक्शन 1 क्लॉज बी या 1023C का 10th प्रोविजो आपके साथ डिस्कस किया, उनमें फॉल होती है तो आप पर ऑडिट के लिए फॉर्म 10BB एप्लीकेबल होगा। तो आई होप इस स्लाइड से आपको 10B और 10BB के संदर्भ में भी क्लैरिटी डेवलप हुई होगी। चार इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मेरे दिमाग में थे इस वीडियो को बनाते समय रिगार्डिंग द चैरिटेबल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑडिट एप्लीकेबिलिटी, वेदर नॉट गेटिंग ऑडिटेड में बार फ्रॉम क्लेमिंग एग्जम्पशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्रक्स है आज की इस वीडियो का दोस्तों, कि आपने सेक्शन 12AB में रजिस्ट्रेशन ले रखा, आप सेक्शन 12A के अनुरूप ऑडिट में कवर्ड भी होते हैं, पर आपने ऑडिट कराई नहीं, तो क्या आपको फिर 11 एंड 12 की एग्जम्पशन ही नहीं मिलेगी? जी हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए, यदि आप पर ऑडिट लागू है और आपने ऑडिट नहीं कराई तो आपकी एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11 एंड 12 एज पर सेक्शन 12A एलिजिबिलिटी नहीं बनती। ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यवस्था है और यदि मैं यहां पर एक सजगता पैदा कर पाया तो मुझे लगता है कि मेरी वीडियो का एक पर्पज यहां सफल होगा। वेदर नॉट मेंटेनिंग बुक्स में बार फ्रॉम क्लेमिंग एग्जम्पशन, यस सर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने किताबें नहीं बनाई, जैसा कि लॉ आपसे कहता है कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर की इनकम है विदाउट 11-12 विदाउट 1023C 4, 5, 6 है और आपने किताबें नहीं बनाई तो आपकी 11-12 1023C की एग्जम्पशन तब भी जाएगी। इज देयर एनी पेनल्टी फॉर नॉट गेटिंग ऑडिटेड, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने ऑडिट नहीं कराई जो आप पर लागू थी तो आपको सबसे बड़ा नुकसान ऑलरेडी आपने देख लिया है कि 11-12 1023C की एग्जम्पशन ही गई आज से, तो इससे बड़ा नुकसान तो नहीं हो सकता, इससे बड़ा पेनल्टी तो नहीं लग सकता। लेकिन फिर भी अगर कोई मुझसे स्पष्ट रूप से पूछे तो क्या पेनल्टी भी स्पष्ट रूप से लगने का प्रावधान है, तो वर्तमान पेनल्टी प्रोविजन जो इनकम टैक्स एक्ट में है, मुझे वहां पर ऐसा कोई पेनल्टी का स्पष्ट प्रावधान नहीं मिलता। जो लागू होता है यदि आपने 12AB होने के बावजूद सेक्शन 12A में ऑडिट नहीं कराई या 1023C के 10th प्रोविजन में ऑडिट नहीं कराई हो। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पर कब ऑडिट लागू है, कब ऑडिट लागू नहीं है, कौन सा फॉर्म लागू है, कौन सा किस परिस्थिति में लागू है और क्या उन्हें बुक्स मेंटेन करनी है या नहीं, ये सारे विषय जो मैंने इस वीडियो में टच किए आपके लिए ज्ञानवर्धक रहेंगे। एक बात बहुत इंपॉर्टेंटली कहना चाहूंगा कि भारतवासियों का दिल बहुत बड़ा है, भारतवासी बहुत सी बार मैं देख रहा हूं कि बहुत उत्साहित रहते हैं और कोरोना पीरियड के बाद तो मैंने देखा है कि बहुत से भारतवासी चैरिटेबल अथवा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के रूप में कोई एक्टिविटी करके और अपनी संस्था को चला रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनमें से बहुत से लोग भावुक होने की वजह से और डेडिकेटेड होने की वजह से इन इंस्टीट्यूशन को तो चला रहे हैं परंतु उनकी बुक्स बनाने के संदर्भ में, उनकी ऑडिट कराने के संदर्भ में उनका ध्यान नहीं है। इसका नुकसान कब होता है कि कल जब आप इनकम टैक्स राडार पे आते हैं तो आपके इतने वेलफेयर के प्रयास होने के बावजूद आप पर हैवी अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी अप्लाई हो सकती है। तो मेरा पर्पस यही था कि मैं यहां एक अवेयरनेस क्रिएट करूं कि आप कब ऑडिट से कवर्ड हैं, कब आप पर बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट लागू है और यदि लागू है तो आप वो अनुपालना अवश्य सुनिश्चित करें। सो दैट इज व्हाट इज ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स फॉर बीइंग विद मी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।